नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे भाई। जैसा कि हमने टाइप वन में पढ़ा था इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, तो अब हम टाइप टू और टाइप थ्री पर बात करेंगे, ठीक है। पहले हम टाइप टू के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप टू में क्या है, तो टाइप टू कब हम इसको यूज में लेंगे, जब टाइप वन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, है ना। जब टाइप वन फेल हो जाएगी, पहले तो यही लिखो, सही बात है ना। जब टाइप वन नहीं लगेगी भाई, इंस्पेक्शन मेथड काम नहीं करेगा, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो टाइप वन फेल होगी। तो एक बात है, टाइप वन की कुछ पहचान है, ठीक है ना। तो कैसे पहचान करेंगे भाई हम, मतलब आइडेंटिटी लिख लेना आप, क्या है इसकी। देखो पहचान क्या है इसकी, एम और एन क्या होंगे, होमोजीनियस फंक्शन होंगे, ये है इसकी पहचान। होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं भाई, अब जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई, एक्स वाई क्यूब, मतलब देखो क्या है, कुछ भी टर्म चल रही हैं, जैसे मान लें ये प्लस में चल रही है, माइनस में चल रही है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री जोड़कर सबकी बराबर आनी चाहिए। अब डिग्री कितनी है, यहां पर चार, यहां पर भी चार, यहां पर भी चार, दो होगी तो फिर पूरे क्वेश्चन में ही दो मिलेगी, एक होगी तो पूरे क्वेश्चन में एक, तीन होगी तो पूरे क्वेश्चन में ही तीन, चार होगी तो पूरे क्वेश्चन में चार, समझ में आया ना। तो इसको हम होमोजीनियस बोलेंगे। क्या देखना है, ऐसे देखना है, डिग्री देखनी है मतलब इनकी, ठीक है ना, इसकी भी पावर, एक्स की भी पावर। आप बताओ इसकी कितनी डिग्री है, इसकी डिग्री बताओ दो, हाँ इसकी भी काउंट होगी, इसकी भी काउंट होगी, तो होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। आप देखते ही बताओगे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है इसके, भाई होमोजीनियस, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, समझ में आया है। तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि भाई टाइप टू कब लगेगी, तो अब इसके रिलेटेड कोई है नहीं। और इंस्पेक्शन कब काम करता है, वो टेबल है जो, उस टेबल के जो भी फार्मूले हैं आपको माइंड में होने चाहिए, उनमें से अगर कोई है सेट होता है उस पर, तो आपकी सफिशेंट जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है उस पर, तो आपको पता चल जाता है। तो इसमें ये पहचान आई है समझ में, अगर ये पहचान समझ में आई है, तो अब देखो इसमें क्या है, टाइप टू की, टाइप वन में तो वो टेबल थी ना इंस्पेक्शन मेथड वाली, वही इंस्पेक्शन मेथड को ही मैं टाइप वन बोल रहा हूँ, टाइप टू ये है भाई। तो इसमें एम और एन की क्या होगी, होमोजीनियस फंक्शन होंगे, मतलब इस तरह की उनकी जो डिग्री है वो बराबर होगी, समझ में आया है पूरे क्वेश्चन में। और अब एक पहचान है इसके, फेल, टाइप वन फेल होगी तो अब टाइप टू कब फेल होगी, टाइप टू फेल होने के भी कुछ सिग्निफिकेंस हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि कैसे होगी। जैसे M और N कंटेन अदर टर्म्स, अदर टर्म्स फ्रॉम X एंड Y, इसको समझो क्या है, जैसे यहां देखो ये X Y की टर्म है सारी, जैसे मैं लिख दूं X Y की तो चल जाएंगी, जैसे मैं लिख दूं E की X, साइन X, कोस X, एक्सपोनेंशियल जितनी भी हैं, e की साइन x, इस तरह की टर्म अगर होगी तो तभी फेल हो जाएगी टाइप टू, ठीक है। उनको फिर आगे पढ़ेंगे हम, टाइप फोर टाइप फाइव है जो, उनमें हम इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। अगर ये मिल जाए तो समझ लेना आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तुरंत ये मना कर देगी भाई मेरे बस का नहीं है ये क्वेश्चन, समझ में आया है, आया है नहीं समझ में आया। और एक इंटीग्रेशन फैक्टर, अगर मान लो ये इसमें लगती है, अगर होमोजीनियस फंक्शन है वो, तो उसमें इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला समझे भाई क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला है यहाँ पर वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ये समझ में आया है। वन अपॉन एम हमें पता है कैसे निकालते हैं, एन हमें पता है कैसे निकालते हैं, एम की तो एक्स के साथ गुणा करेंगे, एन की वाई के फिर उनको जोड़ लेंगे और बटे में, है ना, मतलब वन अपॉन दिस जो भी वैल्यू आएंगी ये इंटीग्रेशन फैक्टर है। और इसको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो एग्जैक्ट में बदल जाएगी, पहले उन्होंने एग्जैक्ट रहेगी, क्या करेंगे ये सिस्टम निकाल के, एम एन तो हम निकाल ले सका, हाँ वो निकालते, फिर हमने क्या करना, जो भी यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद जो आएगी इंटीग्रेशन फैक्टर जो भी आएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, और फिर सोल्व करके एम और एन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एग्जैक्ट आ जाएगी। एग्जैक्ट आते तो आपको पता है भाई कैसे करना है, ठीक है। तो अब ये है, अब ये इंटीग्रेशन फैक्टर पर दो कंडीशन है,
ये तब भी फेल हो जाएगी। अगर इंटीग्रेशन फैक्टर इस तरह का आया एक्स वाई स्क्वायर कुछ भी आ जाए, मतलब सिंगल टर्म में, ऐसे नहीं आना चाहिए वन अपॉन एक्स प्लस वाई या एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई क्यूब एक्स, इस तरह का अलाउड नहीं है। सिंगल टर्म नीचे ओनली सिंगल टर्म आनी चाहिए बटे में। आया समझ में? तो दो चीज है इसकी फेल होने की। क्या कैसे फेल होगी? पहली चीज तो ये है भाई कि m और n एक्स वाई के अनदर कोई टर्म ये कंटेन करे, जैसे e की x, sin x, tangent x, e की sin, इस तरह के फंक्शन। और इसमें क्या है फिर इंटीग्रेट मतलब लगेगी कब वो पता चल गया आपको, होमोजीनियस मतलब उनकी डिग्री एक होनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पर भी चार, यहाँ पर चार, यहाँ पर तीन बन जाती है बाई चांस से, तो फिर तभी ये नहीं लगेगी। समझ में आया? वो आपको क्वेश्चन में और अच्छा समझाएंगे, फिलहाल आप ये समझो अगर ये होता है तो फिर इंटीग्रेशन फैक्टर। और इंटीग्रेशन फैक्टर पर भी मान लो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई है और इंटीग्रेशन फैक्टर इस टाइप का आ जाता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बताओ लगेगी अब ये? नहीं लगेगी। हाँ ऐसे नहीं आना चाहिए, मल्टीप्लाई में ही आनी चाहिए, एक ही टर्म आनी चाहिए, वो कितनी है बड़ी आ जाओ चाहिए। समझ में आया भाई? जिस तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तीन, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। अगर ये बातें सारी समझ में आई हैं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई है? अब इसके साथ मैं एक टाइप थ्री और समझा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि टाइप थ्री और सेम है, एक बार बेसिक करके फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं इस पर। टाइप थ्री को और समझ लीजिए, ये समझ में आया है नहीं आया? रेज नहीं करेंगे, एक बार समझो आप। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एम एक्स और प्लस एन वाई को हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर कुछ भी चल रहा है एक्स वाई का फंक्शन, प्लस में यहाँ पर भी कुछ भी फंक्शन चल रहा है, बराबर जीरो है, इसको एम डी एक्स वाई, उससे ये एम आ जाएगा अपना, ये एन आ जाएगा, एम को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, एक्स से गुणा कर लेंगे, सिंपल एक्स से गुणा करना, कोई वैल्यू नहीं निकालनी, एन फिर वाई से गुणा करो, उसको सोल्व करो प्रॉपर, कटे काटो बचे उनको जोड़ दो एक्स टर्म को, और जो वो वैल्यू आए ना उसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से इसी में मल्टीप्लाई करवाना वापस, तो फिर वो एग्जैक्ट बन जाएगी, ये है, ठीक है, क्वेश्चन में और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब टाइप थ्री को समझे, टाइप थ्री कब लगेगी, इसकी क्या पहचान है भाई, ये कब लगेगी? ये तब लगेगी, मान लो इसमें जो पहला है, मतलब जो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये मैं इसको बोल रहा हूं फंक्शन वन, इसको बोल रहा हूं फंक्शन टू, ठीक है, ध्यान बिल्कुल हो इस पर। यहां पर जो फंक्शन मैं बोल रहा हूं इसको तो एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए, मतलब एक्स वाई ब्रैकेट में लिखने का मतलब उसमें इस तरह का एक्स, हाँ एक्स और वाई की टर्म होनी चाहिए, और गुणा में फिर वाई डी एक्स, इस तरह मतलब एक वाई अलग से मल्टीप्लाई में होना चाहिए, वो यहां भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं है। ऐसे ही कोई फंक्शन एफ टू है, वो भी सेम एक्स वाई का फंक्शन ही होना चाहिए, एक्स वाई का ही फंक्शन होना चाहिए, ये टर्म नहीं आ सकती इसमें, और फिर यहां पर एक एक्स आना चाहिए एक्स्ट्रा और एक्स, और इस तरह की अगर फॉर्म आपको मिलती है, ये आप हाईलाइट कर लो, इसको बॉक्स में बना लो, क्योंकि अगर आपको इस तरह की फॉर्म अगर मिलेगी तो समझ जाओ कि भाई ये टाइप थ्री का क्वेश्चन है। समझ में आया है? ये क्या है फिर? टाइप थ्री का क्वेश्चन है। कभी भी आप एग्जाम में करो ना पर्सन, तो इसी तरह से सीरीज में पहले देखे टाइप वन लग रही है या नहीं लग रही इस पर, फिर टाइप टू देखे भाई होमोजीनियस तो नहीं है वे, फिर टाइप थ्री में देखे कि भाई कोई वाई और एक्स, कई बार तो आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप दिल से इसको करोगे, आप देखते ही बता दोगे कि इस पर कौन सी लगेगी। या समझ में? हाँ ये अगर आपको लगानी आई है तो आप इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला और सुन लो, वो याद हो गया पहले ना, एम एक्स प्लस एन वाई था, ये है बस एम एक्स माइनस एन वाई, बस बीच में माइनस आ जाएगा। अब इसकी वही कहानी है, एम और एन निकाल कर अब की बार क्या करना है, एक्स के गुणा करके और यहाँ वाई से फिर अब की बारी घटा देना है, ठीक है, जो आए फिर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में गुणा करेंगे। ये सेम कंडीशन जो ये फॉलो करता था कि सिंगल आनी चाहिए यहाँ टर्म, प्लस माइनस में दो टर्म नहीं आ सकती, केवल एक टर्म, इस तरह के अलाउड नहीं है, तो फिर ये टाइप भी फेल हो जाएगी, बेशक से ये इस टाइप का भी हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर इंटीग्रेशन फैक्टर अगर हमारा यह तो ही सोल्व होगा, नहीं नहीं हो फिर हमें आगे सोचना पड़ेगा और कहीं। समझ में आया है कि नहीं आया? अगर ये समझ में आया है तो इंटीग्रेशन फैक्टर भी बता सकता हमें फेल होगा या नहीं होगा, और ये नहीं भाई आप अपने मर्जी से गलत निकाल लो और फिर कहते हो फेल हो, अच्छी तरह से तो निकालना है वो। समझ में आया है? आप दूसरी चीज देखो,
हाँ, और एक तो फेल इंटीग्रेशन फैक्टर बताएगा भाई कब फेल होगी। एक वैसे फेल होने का स्टेप ये भी है, हाँ जैसे टाइप टू फेल होते हैं उसी सेम क्राइटेरिया पे ये भी फेल होगी। इसमें एम एन जो है, एम और एन है, वे क्या होने चाहिए, और टर्म नहीं होने चाहिए उसमें एक्स वाई के अलावा, जैसे ई की एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, इस तरह की, तो ये भी फेल हो जाएगी। ये सेम बात लिखनी है इसमें, इस पे एक तो क्राइटेरिया ये है और एक फेल होने का क्राइटेरिया ये है। दो क्राइटेरिया पर फेल होती है टाइप टू और टाइप थ्री, नहीं तो फेल नहीं होती है। समझ में आया है? तो उसमें बस पहचान क्या थी, उसमें होमोजीनियस सेकंड में है जो टाइप टू, उसमें होमोजीनियस फंक्शन मतलब उसकी डिग्री जो जोड़ेंगे वो पूरे क्वेश्चन में सेम रहनी चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें फंक्शन कोई भी, देखो यहां पर जैसे मैं ये लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर वाई इंटू, यहाँ वाई होना चाहिए, यहाँ एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स इंटू वाई, यहाँ पर एक एक्स होना चाहिए। अब ये इससे बिलोंग करती है, हाँ यहाँ कुछ भी लिख लो, 5y कुछ भी लिख लो, समझ में आया है ना? देखो y तो एक अलग मिल रहा है हमें, यहाँ ये m हो जाएगा, मतलब फंक्शन एक्स वाई का है और ये भी फंक्शन एक्स वाई का है, एक y डी एक्स है, एक x डी वाई है, बराबर 0 है, इससे बिलोंग कर जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर ऐसे निकाल लेंगे, नॉन एग्जैक्ट तो ये हमेशा आएंगी, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एग्जैक्ट बन जाएंगी, उससे आगे फिर अपना काम है। अब बताओ ये बेसिक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया है? अब इसके हिसाब से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ टाइप टू और टाइप थ्री, अब आपके लिए तैयार है, आप कर सकते हो। अब ये देखिए, अब बताइए ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है, ध्यान से देखिए, टाइप टू का है टाइप थ्री का है? टाइप टू में क्या होना चाहिए, टाइप थ्री में तो यहाँ पर वाई डी एक्स होना था, हाँ यहाँ तो एक्स वाई का फंक्शन हो, ठीक है ना, ई की एक्स, कोस एक्स, इस तरह का मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, नहीं तो दोनों ही यहाँ पर खत्म हो जाते टाइप टू और थ्री। अब बताइए भाई यहाँ पर क्या है, हाँ तो आप लिखोगे ना, क्या लिखोगे, लिखो भाई होमोजीनियस फंक्शन लिख लो, ये ऐसे लिख देना, होमोजीनियस फंक्शन एंड नॉट कंटेन टर्म्स अदर देन एक्स एंड वाई, मतलब फॉर एग्जाम्पल ई की एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, इस तरह की कोई टर्म नहीं है ना उसमें, तो इस कारण से द गिवन प्रॉब्लम बिलोंग्स टू, लिखो द, एक बार बताता हूं मैं एग्जाम में कैसे करना है, इसलिए द गिवन प्रॉब्लम बिलोंग्स टू टाइप टू, ऐसे समझ में आया, टाइप टू ये इस तरह की है। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आपका वही काम है, इसको वन का नाम दें और लिखे कंपेयरिंग विद, इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से, कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग वन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँचो भाई, आए हो, m की वैल्यू बताओ जल्दी, 3x² वाई वाई क्यूब, यहाँ n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू ध्यान से बताना है भाई, हाँ सही बात है, बहुत ध्यान दिया आपने, ये माइनस भी तो ध्यान दो ना, हाँ तो ठीक है ना भाई, ये अगर माइनस को आप मिस करके तो फिर तो हो गया भाई इसका काम, समझ में आया नहीं आया, माइनस वो प्लस के साथ कंपेयरिंग कर रहे हो ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं अब, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पर क्या लिखते हो, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो तो लिख लेंगे, करल एम अपॉन करल वाई, पार्शली कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो बताइए क्या कॉन्स्टेंट है, 3x² कॉन्स्टेंट है, वाई का 1 और ये है 3y², कर ली एन बाई कर ली एक्स, बताइए भाई बताओ, यहाँ पर देखो माइनस का वाई कॉन्स्टेंट है, हाँ वेरी गुड, 2 भी है, सही बात है, और ये क्या आ जाएगा 2x, आया है या नहीं आया, इसमें y² कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को आप पहले लिख ले x का 1। अब देखो एक बार इसको कायदे से लिखेंगे, 4xy ये बनेगा y² और वो तो कायदे से लिखा हुआ है भाई, 3x² - 3y²,
आया है बराबर ये? नहीं आया है ना, तो इसी कारण से लिखो हैंड्स या एयर लिखो, हेयर, हेयर कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई नॉट इक्वल है कर्ली एन बाई कर्ली एक्स के, हैंस द हाँ गिवन प्रॉब्लम इज नॉन एग्जैक्ट। ये फॉर्मेलिटी थी, ये करनी थी आपने, ठीक है ना। नॉन एग्जैक्ट की टाइप चल रही है ना भाई, एग्जैक्ट को तो हम सोल्व करना सीख चुके हैं ना भाई, एग्जैक्ट को तो हम कैसे सोल्व करते हैं। अब नॉन एग्जैक्ट तो पानी है, लेकिन ये एग्जाम में आपको करके दिखाना है भाई सीधा, ये नहीं कि नॉन एग्जैक्ट तो है ये, समझ में आया ना, क्या पता एग्जैक्ट ही हो वो। इतनी बात समझ में आई है? इतनी बात यदि समझ में आई है तो भाई आगे पढ़े, अब इसको आगे प्रोसीजर करेंगे। तो अब आपको क्या निकालना होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर। कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर बताओ भाई, क्या फार्मूला था टाइप टू की, एम एक्स प्लस एन वाई, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लो भाई अच्छी तरह से। अब बताओ वन अपॉन एम की वैल्यू बताओ, थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और इसकी गुणा किसके साथ करनी है, एक्स के साथ करनी है ना, प्लस में फिर एन एक्स, एन की वैल्यू दे ही रही भाई, हाँ हाँ बोल लो, प्लस और इनटू वाई। सॉल्यूशन करो भाई अब इसका, यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ मैं इसको, आगे करो सोल्व, थ्री एक्स क्यूब वाई, हाँ करते रहो आप सोल्व, एक्स वाई क्यूब, फिर देखो हाँ एक्स वाई क्यूब, आगे बताओ फिर माइनस, हाँ वेरी गुड, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं ब्रैकेट को भी खोल रहा हूँ साथ में, और इसमें बताओ माइनस, हाँ प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ सही बात है, हाँ हाँ सही बात है, प्लस एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर ध्यान से देखो भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इंटीग्रेशन फैक्टर में, फिर ये तो उस टाइप का आ गया भाई, अलग है ना। अब देखो भाई इसमें हमने क्या करना है, अब जो बची हुई चीज है वो क्या है, तीन एक्स क्यूब वाई माइनस दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बताओ भाई क्या है ये, तीन एक्स स्क्वायर वाई और दो, हाँ एक्स क्यूब है चलो, दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह का इंटीग्रेशन फैक्टर अगर आएगा टाइप टू में, क्या वो सोल्व हो जाएगा? मैंने अभी बताया था आपको, हाईलाइट करी थी वो पॉइंट कि भाई सिंगल आने चाहिए, या तो अकेला ये आना था या अकेला ये आना था, इस तरह से तो नहीं होगा, तो अब ये आगे सोल्व नहीं होगा, समझ में आया है। तो आपका जो समस्या थी भाई, कैसे हमें पता चलेगा कैसे सोल्व नहीं होगा, ठीक है, तो अब इससे नहीं सोल्व होगा ये, लेकिन हमारी समस्या क्या है, हमने ये रकम को गलत लिखा, इस कारण से नहीं आया, तो ठीक है हम कर देते हैं उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो सुकेर है ना भाई, तो ठीक है ना, वो आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, यो कि भाई ऐसा है तो इंटीग्रेशन फैक्टर आप लिखोगे, इंटीग्रेशन फैक्टर नॉट बिलोंग टू सच इंटीग्रेशन फैक्टर, मतलब यहाँ पर सिंगल वैल्यूड होना चाहिए था, कुछ इस तरह का कुछ होना चाहिए था, ये ही नहीं होना चाहिए, मतलब इससे बिलोंग नहीं करता है ना, ये दो इस तरह का नहीं हो सकता यहाँ पर, तो मतलब इसको आप कायदे से लिखना चाहो तो यहाँ ये लिख सकते हो कि यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई अकेला आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता, ठीक है ना, इससे बिलोंग नहीं करता, दैट इज वाई ये सोल्व नहीं होगा आगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ये मैथ में है जो आपके, वो भाई क्या है, के यू के 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सुकेर था ये, ठीक है ना, तो ध्यान से करें भाई, तो सुकेर है तो फिर अब एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाकी आपने कुछ नहीं करना, ये नया क्वेश्चन है अब आपके लिए, समझ में आया है, तो यहाँ पर सुकेर हो जाएगा। अब इसके देखो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में फर्क होगा, तीन एक्स आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, दो वाई, और फिर ये तीन वाई स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बाकी ये तो हमारा ठीक ही है। अब फिर ये क्या रहेगा यहाँ पर, आप बताओ, हाँ वेरी गुड, छः एक्स वाई हो जाएगा, छः एक्स वाई होते फिर क्या है, अब भी ये नॉन एग्जैक्ट ही रहना है, समझ में आया है, तो फिर वो सही बात है, फिर इसमें यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, एम की वैल्यू रखते हैं ना हम यहाँ, एम की वैल्यू फिर एक्स, और बाकी ये सही है। तो अब यहाँ पर देखो क्या चेंज होगा, बता सकते हो आप, हाँ ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये भाई, थ्री एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर तो एज इज है, अब देखो हो जाएगा ना, हाँ अब सॉल्व करो इसको,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, भाई तीन में से दो गया एक और ये सेम है तो ये सेम आ जाएगा। तो अब बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, इस तरह के फंक्शन ऑफ एक्स वाई सिंगल आना चाहिए ना इस तरह से, तो इससे बिलोंग कर रहा है तो अब इसको ये सोल्व कर देगा। ठीक है, तो अब आपने सिंपली ये लिखना है, ये इंटीग्रेशन फैक्टर इस तरह का आना चाहिए था और वो हमारा इस तरह का क्यों नहीं आया था, क्योंकि हमने ये मानो भाई हमने जानबूझ कर कर दिया था ऐसा, लेकिन वो हमसे बाई मिस्टेक ये जो डेफिनेशन है इसकी रकम थी वही गलत हो गई थी, समझ में आया है। फिर भी कोई बात नहीं, आपको वो भी काम समझ में आ चुका है। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम कंप्लीट इसको। अब इससे मल्टीप्लाई हमें कैसे करवाना है अब समझिए, तो इक्वेशन वन से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये देन एग्जैक्ट बन जाएगी और उससे आगे फिर हमारा काम चलेगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, उससे आगे फिर हम, अब मैं इरेज करता हूँ इंटीग्रेशन फैक्टर को ही ध्यान में रखूँगा, उससे आगे फिर सारा नया काम है, तो आप नोट कीजिए। देखिए भाई, अब हमारा जो इंटीग्रेशन फैक्टर था इसको वन माने, तो आप ये लिखो कि वी मल्टीप्लाई वन बाय इंटीग्रेशन फैक्टर, आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर वी गेट, ऑन बोथ साइड कर सकते हो क्योंकि उस तरफ जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा। देखो भाई, करो भाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर वाई वाई क्यूब। देखो यहाँ पर मैं कंप्लीट पर डिवाइड करूँगा क्या, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, इतना तो कर सकते हैं भाई काम। yes, है sir. ये क्या काम हो यार, ये डी एक्स बन जाएगा। फिर ये देखो दो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये यार है ना ध्यान रख लियो, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और ये है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी वाई। मैंने क्या करा भाई, जैसे मान लो चार एक्स प्लस पाँच वाई है, इसके बटे में सात है तो सात इसके नीचे भी कर सकते हैं ना, वही काम है फिर ये, समझो भी एक्स स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कटेगा भाई, यहाँ यहाँ से एक्स स्क्वेयर कटेगा, यहाँ से एक वाई कटेगा, काट दो जो कटना है आपका, वाई स्क्वेयर यहाँ कटेगा, वाई स्क्वेयर यहाँ कट जाएगा, एक एक्स यहाँ बचेगा, बची हुई टर्म लिखवाओ भाई क्या है, तीन बटा एक्स माइनस वाई बटा एक्स स्क्वेयर, यही बचेगा ना ध्यान रख लेना, हाँ यही बचेगा डी एक्स। और आगे देखो दो अपॉन वाई और ये वन डी वाई बराबर में एक्स वाई स्क्वायर है, चलो भाई एक्स वाई स्क्वायर है तो यहाँ एक्स कर लेना, फिर क्या बचेगा, ये एक्स कट जाएगा तो एक नीचे एक्स बच जाएगा ना, वन बाई एक्स बचेगा। एक बार इसको चेक कर लो, ये ठीक है ना, फिर एक्स कट गया यहाँ तो नीचे एक एक्स बचेगा, वाई कट गया कंप्लीट, ये एक वाई ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कंप्लीट कटा है तो एक वाई नीचे, बाकी ठीक है ना, बाकी ठीक है। तो देखो भाई करते हैं काम, अब क्या होगा, अब लिखो आप, लिखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको अच्छी तरह से, कंपेयरिंग, अब टू का नाम दे दो इसको, कंपेयरिंग टू विद, वहाँ पर हम किससे कंपेयरिंग करते थे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, उससे ही करेंगे, बस एक बार यूज हो चुके क्वेश्चन में तो डैश लगा दें यहाँ पर, बस थोड़ा अलग हो जाएगा, समझ में आए। तो एम डैश की वैल्यू बता दोगे भाई क्या है, तो एम डैश की वैल्यू लिख लो आप, मैं यहाँ से भाई लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, फिर हमें इरेज करना पड़ेगा, तो एम ये हो जाएगा, एन ये हो जाएगा, फिर आपने लिख लेना है ना, तो ये एम हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा, ये हमारा एन डैश, एन डैश पता है ना क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख लेता हूँ भाई, या लिखूँ या नहीं, हो गया सर, हाँ कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई, बताओ फिर क्या होगा, यहाँ पर कहीं वाई नहीं है तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई का वन हो जाएगा, ठीक है, इसको कायदे से लिखे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हाँ पार्शली कराया है आप लिख लेना, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो सारी बार बार नहीं दोहरानी चाहिए बातें, कर लिया ना अपॉन कर लिया एक्स। यहाँ देखो भाई ध्यान से देखो, ये जो माइनस है इसके साथ जाएगा, भेजो आप बेशक से इसके साथ माइनस क्या कुछ भी आए फिर भी जीरो, एक्स है ही नहीं इसमें, आया समझ में, इसमें एक्स नहीं है, तो फिर आप देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, कैसे करते हैं, जो भी पावर है वो विद नेगेटिव साइन ऊपर, देखो भाई आया है या नहीं आया, एग्जैक्ट बन चुकी है नहीं बन चुकी, लिखो फिर है यार। तो अब एक बात देखो, अगर आप एम ने देखो
ध्यान रखो एम डैश मानना है तो ये एन डैश यहाँ डैश लगा दो ना, तो हेयर करली एम डैश करली वाई, एम और एन तो वो थे जो नॉन एग्जैक्ट वाले थे, है ना, ये अब डैश में आ चुके हैं, तो लिख दो भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बस अब सिंपल हो गया ये काम, समझ में आया है। तो अब इसका सॉल्यूशन और बता दो आपको, हेंस द सॉल्यूशन इज, तो एज वी नो दैट सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एम डी एक्स डैश लगा लूँ यहाँ, डैश क्यों लगाऊंगा पता है, हाँ थोड़े अलग हो गए थे ना ये, इसमें इस तरह से डैश लगा लेंगे, यहाँ पर वाई कॉन्स्टेंट वाली टर्म और यहाँ फ्री फ्रॉम, वेरी गुड, बराबर में एक सी भी आता है, ध्यान रखो। अब आगे बताओ भाई क्या होगा, एम डैश की वैल्यू बताओ, लिख दो भाई 3 बटे एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट लेंगे ठीक है, आगे बताओ प्लस में वे टर्म, एन डैश की वे टर्म जो एक्स से फ्री हो, एक्स इसमें है, हाँ वेरी गुड, माइनस शाबाश, इतना ध्यान रखना है, माइनस टू अपॉन वाई डी वाई बराबर सी, यहाँ पर फ्री फ्रॉम एक्स मैंने ले ली वही टर्म, अब उसका काम हो चुका। तो अब देखो इंटीग्रेशन करो भाई, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, चलो एक बार मैं थोड़ा सा और आपका काम अड़का कर देता हूँ, वन अपॉन एक्स डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को ऊपर डी एक्स, माइनस दो को बाहर निकाल दूं, माइनस दो वन अपॉन वाई डी वाई बराबर सी, यहां तक बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो, क्या करे भाई हमने पता चला है ना, इस पर अलग इंटीग्रेशन, इस पर अलग, ऐसे हो सकता है। तो तीन वन बाई एक्स को क्या कौन सा मान लेगा, लॉग एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर वाई, अब देखो इसमें एक पावर जोड़ेंगे मल इंटीग्रेशन में जुड़ेगा और फिर वही पावर नीचे, ऐसा होता है ना, तो करो फिर इसको सोल्व, क्या आएगा एक्स की माइनस वन और एक माइनस वन ऊपर लगा लूँ, वो नीचे माइनस वन बचेगा, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉन एक्स, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, अब माइनस वन अपॉन एक्स यहाँ आया है, क्या फिर मैं इसको ये माइनस, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस वन अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे में एक्स, अब इसका काम हो चुका, ये बताओ समझ में आया नहीं आया, आना चाहिए समझ में, माइनस दो, अब इसका बताओ क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, वन, हाँ वेरी गुड, अब लोग वाई हो जाएगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में बराबर सी, आंसर आ गया भाई, आंसर आ चुका है। अगर किसी बच्चे की ज़्यादा ही इच्छा है तो इसका एलसीएम ले सकता है, एलसीएम कैसे होगा पता है ना, यहाँ एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कर, मत करंट देना लोग, एक्स स्क्वायर ये थीटा में एक्स है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ से गायब, यहाँ सी एक्स, उसको कोई सी वन या के मान सकते हैं। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन निकालना है, तो मेरे ख्याल से टाइप टू आपको समझ में आई होगी, और इंटीग्रेशन फैक्टर के निकालते वक्त ध्यान रखें सिंगल केवल नीचे वन अपॉन एफ एक्स वाई, मतलब केवल एक ही आनी चाहिए टर्म, है ना, दूसरी आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, और उस दिक्कत को भी हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था ताकि आपको समझ में आए कि भाई कैसी थी चीज़ें, आया समझ में। अब इससे आगे हम टाइप थ्री पर बात कर सकते हैं, क्योंकि एक दो मैं होमवर्क प्रॉब्लम यहाँ लिख देता हूँ, आप उनको ट्राई कर लेना और आपका कंसेप्ट पक्का हो जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान में रखो और इंटीग्रेशन आपका सही होना चाहिए, प्रोसीजर कर देना है बस हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, तो ध्यान दीजिए नोट कीजिए। तो देखो भाई टाइप टू करवाई है और उस पर मैंने कुछ चार होमवर्क प्रॉब्लम दी है, अगर आप ज़्यादा ही मेहनती बच्चे हो तो इनको निकाल कर देखना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने आपको क्या सिखाया है और आपने क्या सीखा है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो इसमें सबसे पहचानना क्या है, अब मान लो ये एग्जाम में आए हुए पर्सन कुछ भी है तो ये आपके सामने है, ये सोल्व करना है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिख रखा है, तो कैसे करेंगे इनको बताओ, देखो इसकी तीन डिग्री, तीन 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 जोड़ के, यहाँ एक तो तीन है, लग जाएगी टाइप टू भाई, मिट जाइए हैं कोई बात नहीं, टाइप टू लग जाएगी, टाइप टू लगेगी, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है, आप मिला सकते हैं, ठीक है, फिर दूसरे में चार डिग्री चार, यहाँ पर एक ये और चार, दूसरे का भी आंसर है आपके पास ये रहा, और तीसरे का भी आंसर है, तो कुल मिला के यहाँ दो डिग्री दो डिग्री, यहाँ दो डिग्री, तो टाइप टू के हैं सभी सवाल, आप उससे तो बेचिंत रहे, टाइप टू से ही होंगे सभी,
ठीक है, क्योंकि हमने करवाई आपको टाइप टू है, ठीक है। और आगे देखो भाई, तीन तीन, तो इसका आंसर चौथे का आंसर नीचे ही है, ये चौथे का ही आंसर है जो हमने लिख रखा है नीचे, समझ में आया है। इनको कर लेना और कोई दिक्कत आए तो आप बता देना भाई। तो टाइप टू के लिए लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, तो इसके बाद हम टाइप थ्री पर बात करेंगे। तो ध्यान से कीजिएगा, और फिर भी कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।